भोपाल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ने राज्य इकाई की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अतुल भारद्वाज की नियुक्ति की गई। इस दौरान अतुल भारद्वाज ने कहा कि सामाजिक सेवा के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे समाज में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और असहाय गरीब लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ने अपने मध्य प्रदेश की इकाई की घोषणा की है। एडीएचआर के महासचिव प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि अतुल भारद्वाज मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वहीं 11 अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि एडीएचआर का मूल उद्देश्य व्यक्ति के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा संरक्षण के साथ लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि आम जनता और सरकार के बीच सामंजस्य बना रहे, जनता को अपने अधिकार पता हो और वह उसका उपयोग कर सके। कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित होता है या कोई उनके अधिकारों का हनन करता है तो वे उनकी हर तरह से सहायता करेंगे। इसके साथ एसोसिएशन वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता जैसे अन्य सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएगा। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल भारद्वाज ने एसोसिएशन का धन्यवाद किया और कहा कि वे एसोसिएशन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। ये एडीएचआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एक राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने वाला एनजीओ है और हम लोग मानवाधिकार के हनन के जो प्रकरण आते हैं आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। चूँकि हम लोग 14 राज्यों में काम कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश हमारा 15वां राज्य बना है और 15वें राज्य में हमने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अतुल भारद्वाज जी, प्रदेश महासचिव के रूप में नितिन दीप सिंह जी और करीब 14 लोगों की टीम यहाँ पर गठित की है और इसमें एक देवास जिला है, राजीव गुप्ता जिलाध्यक्ष बनाए हैं और गणेश विश्वकर्मा जी भोपाल जिलाध्यक्ष बनाए हैं, जिससे कि लोगों को हम लोग आम सस्ता न्याय दिलाने में प्रयास करते हैं। चाहे जागरूकता का कार्यक्रम हो या अन्य जो भी कार्यक्रम है, हम इस ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में इस एनजीओ के मार्फत करते रहते हैं। लोगों को कैसे जल्दी से जल्द त्वरित न्याय मिले, इसका एक भरपूर प्रयास हमारे एडीएचआर द्वारा रहता है। ह्यूमन राइट्स का एक व्यापक क्षेत्र है, ह्यूमन राइट्स में सभी आते हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, पर्यावरण हो, जल संरक्षण हो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, ह्यूमन राइट्स का एक पार्ट है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इशू है और बच्चे जो के भीख मांग रहे हैं उन माता पिताओं को या हम लोग जो समाज में लोग जागरूक हो रह रहे हैं उनको भी हमारा दायित्व तो बनता है। कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक फाइनेंशियली दिक्कत आती है परिवार के साथ में, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि पढ़ने के समय पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, माँ है, माँ के पास एक बेटा है, अब उसको रोटी की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो पढ़ाई के बाद अगर वो काम करता है तो उसमें हो सकता है कि हम लोग आप लोग सहयोग करें। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि अपना तो नशा वगैरह इस तरह से करते हैं और बच्चों को काम पर लगा देते हैं। ये हमारे समाज का नैतिक पतन है, इसको रोकने के लिए हमारा एनजीओ पूरा भरकस प्रयास करता है और ये कोशिश करता है कि पढ़ाई के समय पर बच्चे स्कूल जाएं। सबसे पहले तो जो मेरे को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया उसके लिए मैं जो हमारे प्रवीण वार्ष्णेय साहब हैं उनका तो पहले सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो भी मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अगर मानव को लेकर कोई हनन की इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें हम सब लोग, हम पूरी की जो पूरी टीम है हमारी, मिलकर उसको किसी ना किसी प्रकार से जिस स्तर में भी जाना पड़े, जैसे आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मदद लेके, पुलिस से मदद लेके, जिस प्रकार से मदद लेके, पैसे की ज़रूरत पड़े, पर्यावरण को लेके, जिस प्रकार की दिक्कत आएगी उसमें हम लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। एसोसिएशन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति सर्टिफिकेट दिए। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आरती अस्थाना ने कहा कि वे हमेशा से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कई असहाय लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया है। वे इस एसोसिएशन से जुड़कर आगे भी सामाजिक कार्य करती रहेंगी। मैं सबसे पहले अतुल भारद्वाज जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने साथ में मुझे जोड़ा है। मैं 95 से फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें काउंसलिंग का काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर तो हम लोग महिलाओं के अधिकार के लिए या ये कहें कि परिवार में जो भी उपेक्षित सदस्य रहते हैं उनके लिए हम लोग काफ़ी साल से काम कर ही रहे हैं
और इस समय मुझे ये मौका मिला है कि समाज में जो लोग हैं उपेक्षित हैं या जो इन कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं कि मनुष्य के लिए क्या अधिकार हैं, उनके क्या नियम बनाए गए हैं, उसके लिए ये संस्था काम कर रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ जुड़ के हम लोग काम अच्छी तरीके से कर सकेंगे और बेहतर उसके रिजल्ट रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।